नमस्कार साथियों, चार्वाक दर्शन की तत्वमीमांसा में आज हम आगे बात करेंगे। आज हम चार्वाक दर्शन की तत्वमीमांसा में ईश्वर विचार पर बात करेंगे। जैसा कि हमने ज्ञानमीमांसा में यह बात देखी थी कि चार्वाक दर्शन केवल एक ही प्रमाण को स्वीकार करता है, यानी वह केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही वास्तविक और प्रमा प्राप्त करने का साधन मानता है। और जिन विषयों का हमें हमारी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, केवल उन्हीं की सत्ता को चार्वाक दर्शन स्वीकार करता है। तो इस थ्योरी से यह बात स्पष्ट है कि वो उन सभी विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहेगा या उनका खंडन करना चाहेगा जिन विषयों का ज्ञान हमें हमारी इंद्रियों द्वारा नहीं होता। ईश्वर एक बहुत ही संवेदनशील और मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धर्म का जो आधार है वो ईश्वर पर ही निर्भर करता है, किंतु जिस तरह की ईश्वर की बात या विचारणा भारतीय धर्म में पाई जाती है, उस तरह की विचारधारा चार्वाक दर्शन द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। मुख्य रूप से ईश्वर के तीन जो रूप भारतीय धर्मों में बतलाए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि ईश्वर द्वारा ही सृष्टि बनाई जाती है, ईश्वर द्वारा ही उसका पालन होता है और ईश्वर द्वारा ही उसका संहार होता है। यानी ईश्वर पालक भी है और जनक भी है। तो जिस प्रकार के ईश्वर की कल्पना आस्तिक दर्शनों में पाई जाती है, चार्वाक के अनुसार उस तरह के ईश्वर की ज्ञान प्राप्ति प्रत्यक्ष द्वारा संभव ही नहीं है, इसलिए वो उसे स्वीकार ही नहीं करते। ईश्वर चूंकि सभी वस्तुओं का जनक है, इसलिए पृथ्वी पर सभी जीवन का उदय ईश्वर की कृपा से हुआ है, ऐसा माना जाता है। चाहे वो बीज से अंकुर फूटे, चाहे वो किसी अंडे से कोई पक्षी निकले या गर्भ से कोई बच्चा उत्पन्न हो, हम उसे ईश्वर कृत यानी ईश्वर द्वारा किया हुआ मानते हैं। लेकिन चार्वाक इन सब बातों को ईश्वर कृत नहीं मानते। उनके अनुसार अंकुर की उत्पत्ति तो मिट्टी और जल के संयोग से हो जाती है और ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इसके लिए यदि ईश्वर की भूमिका को स्वीकार किया जाए तो ये बहुत ही अनावश्यक या उपहासपद है। इस स्वाभाविक सी प्रक्रिया के लिए किसी अदृष्टकर्ता की स्वीकृति बेवजह है, निरर्थक है। तो कोई उनसे पूछे कि फिर बीज से अंकुर कैसे फूटता है, तो इसे स्वभाववत मानते हैं, यानी कि ये उस बीज का स्वभाव ही है, ये उसमें खुद में है। यह बीज में स्वयं में है, ये उसका स्वभाव है, इसलिए ऐसा होगा ही। इसके लिए किसी ईश्वर किसी शक्ति की आवश्यकता ही नहीं। फिर कुछ कहते हैं कि जो हम लौकिक या अलौकिक कर्म करते हैं उनका जो फल देने के लिए ईश्वर होता है,
क्यों कहते हैं कि लौकिक कर्म के लिए ईश्वर की तो आवश्यकता है ही नहीं, ये तो सर्वविदित है, स्वाभाविक है, प्रत्यक्ष से ज्ञात है कि अगर हम लौकिक जगत में कोई अपराध करते हैं तो राजा या उस समय की व्यवस्था व्यक्ति को दंड देती है। कोई भी निषिद्ध कार्य अगर कोई करे तो राजा उसे कारागार भेज देगा, उसे दंड देगा, कोई आर्थिक दंड होगा या शारीरिक दंड होगा। और यदि कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है, किसी के प्राणों की रक्षा करता है, किसी की सहायता करता है, किसी को संकट से बचाता है, तो राजा उसे कोई ना कोई उपहार पारितोषिक अवश्य देता है। तो लौकिक कर्मों का जो कार्य है उसमें ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है, ये राजा द्वारा किए जाते हैं। फिर अगर बात करें अलौकिक कर्म जैसे यज्ञ पाठ पूजा तपस्या आदि, तो इनके बारे में चार्वाक क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये सारे कार्य जो हैं ये सामान्य जन को ठगने के लिए धूत लोगों द्वारा कल्पित किए गए हैं, उन्होंने बनाए हैं। इन वैदिक कर्मों से न तो किसी को कोई फल मिला है और ना ही ऐसा दिखाई पड़ा है कभी। और यदि किसी को इन वैदिक कर्मों से कोई सिद्धि प्राप्त हुई हो, कोई फल मिला हो, तो आज तक किसी ने देखा नहीं। और चूंकि किसी ने इसको देखा नहीं इसलिए इसको कल्पित ही मान लेना चाहिए। और वैदिक जो वर्ण व्यवस्था है, जो आश्रम व्यवस्था है, इसमें जो अच्छे कर्म बुरे कर्म, उनसे प्राप्त स्वर्ग नरक, देवलोक जाना, आत्मा का यमपुरी पहुंचना, ये सब प्रत्यक्ष से ज्ञात ही नहीं होता, ये प्रत्यक्ष गम्य है ही नहीं, ये समस्त वैदिक कर्म निष्फल है। इसलिए इसके बारे में और कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, ये स्वतः सिद्ध है कि चूंकि किसी को देखा ही नहीं गया, आते जाते स्वर्ग पहुंचते स्वर्ग से आते, किसी को वैदिक यज्ञों द्वारा कोई सिद्धि प्राप्त करते, तो फिर इनको स्वीकार करना व्यर्थ है। अब ईश्वर के जो तर्क देते हैं ईश्वरवादी, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए कुछ तर्क देते हैं, प्रसिद्ध तर्क हैं, चार्वाक फिर उन तर्कों का खंडन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चार्वाक जो है वो प्रत्यक्ष के आधार पर, जो कि हमने पहले भी बात कही कि चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करते हैं, और इसी के आधार पर चार्वाक जो है वो ईश्वर के सत्ता को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष गम्य नहीं है। प्रत्यक्ष द्वारा यानी हमें हमारे इंद्रियों द्वारा ईश्वर का किसी भी प्रकार से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, न उसका रूप, न उसका रंग, न उसका स्पर्श, न उसकी गंध और न उसका कोई स्वाद है, न जिह्वा से, न आँख से, न नाक से, न कान से, न त्वचा से, किसी से भी ईश्वर का ज्ञान किसी भी रूप में नहीं हुआ, इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर है अनुमान के आधार पर, कुछ लोग कभी कभी अनुमान के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए वो युक्ति देते हैं कि इस संसार में कोई छोटे से छोटा कार्य भी हो उसका भी कोई ना कोई कारण होता है, बहुत छोटा सा काम भी हो। यदि हम रेत की धरती पर किन्हीं पद के चिन्ह देखें तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ से कोई गुजरा होगा, यहाँ से कोई निकला होगा। यदि हम रेत पे एक लकीर टेढ़ी मेढ़ी देखते हैं तो हम मान के चलते हैं कि कोई अवश्य कोई सांप यहाँ से गया है। तो बहुत छोटे छोटे कार्यों के भी कारण होते हैं, तो ये जो सृष्टि है इतना बड़ा कार्य हो तो इसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए, और वो इस सृष्टि का कारण ईश्वर को बताते हैं। पर चार्वाक कहते हैं कि हम अनुमान प्रमाण को स्वीकार ही नहीं करते, और चूंकि ये एक अनुमान है इसलिए हम इस प्रमाण को, इस युक्ति को स्वीकार नहीं करते, वो खंडन कर देते हैं इसका। फिर है शब्द के आधार पर, शब्द के आधार पर भी ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया जाता है, क्योंकि हमारे वेद पुराण गीता में ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बतलाया गया है। गीता में तो कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं ईश्वर हूं।
वेदों में बहुत से देवताओं की और स्तुतियां गाई जाती हैं, और वेद एक प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, अपौरुषेय तक माने जाते हैं, जो कि ईश्वर कृत हैं, ईश्वर के श्वास हैं, निश्वास हैं। तो उसमें लिखी बात गलत हो ही नहीं सकती। इस आधार पर भी, उन शब्द प्रमाणों के आधार पर भी कई विचारक ईश्वर के अस्तित्व की सत्ता सिद्ध करते हैं, किंतु चार्वाक का वही उत्तर कि हम प्रत्यक्ष के अलावा और किसी प्रमाण को स्वीकार ही नहीं करते, और ईश्वर ने वेदों की रचना की है, इस आधार पर वेदों को प्रमाणिक बतलाते हैं आप लोग, और वेदों में लिखा है कि ईश्वर है, इस आधार पर आप ईश्वर को स्वीकार करते हो, तो ये तो अन्योन्याश्रय दोष हुआ। एक दूसरे पर आधारित हैं दोनों बातें। ईश्वर से आप वेदों की प्रमाणिकता सिद्ध करते हो, और वेदों से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते हो, यह संभव नहीं है। ये एक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए इस दोष को कहा जाता है अन्योन्याश्रय दोष, यानी कि एक दूसरे पर आधारित होने का दोष। तो इस कारण वेदों के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। फिर है विश्व व्यवस्था के आधार पर। बहुत से लोग ये कहते हैं कि विश्व में जो व्यवस्था हम देखते हैं उसका आधार ईश्वर है। समय पर सूर्य उदय होता है, समय पर अस्त होता है, निर्धारित दिशा से सभी नक्षत्र चलते हैं, नदियां बहती हैं, वृक्ष बढ़ते हैं, हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, मौसम आते हैं जाते हैं, व्यक्ति जन्म लेता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, मर जाता है। तो इस संसार में हम एक चक्र देखते हैं, एक व्यवस्था देखते हैं, और उस व्यवस्था का जो आधार है वह ईश्वर है। तो चार्वाक के अनुसार सबसे पहले तो यही विवाद का विषय है कि इस विश्व में कोई व्यवस्था है, क्योंकि बहुत से विद्वान इस विश्व को व्यवस्थित मानते ही नहीं है, इसे अव्यवस्थित मानते हैं। और यदि विश्व में व्यवस्था मान भी ली जाए तो इसके व्यवस्थापक के रूप में ईश्वर की सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह व्यवस्था प्राकृतिक भी हो सकती है, स्वाभाविक भी हो सकती है, सभी वस्तुओं का स्वभाव है, वो इसी तरह से होते हैं, यह प्राकृतिक व्यवस्था है, इसी तरह से होगा, इसके लिए ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। फिर पांच और अंतिम, विश्व रचयिता के रूप में, यानी कि इस विश्व की रचना ईश्वर ने की है, क्योंकि भौतिक तत्वों में स्वयं कोई गति होती नहीं, और इन भौतिक तत्वों को मिलाकर सृष्टि का निर्माण कोई चेतन शक्ति ही कर सकती है, तो उसके लिए ईश्वर को मानना आवश्यक है। किंतु चार्वाक कहते हैं कि प्रकृति स्वयं चार भौतिक तत्वों से विश्व का निर्माण करती है, और इस कार्य के लिए ईश्वर या किसी अन्य अलौकिक सत्ता को मानने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार चार्वाक दार्शनिक इन तर्कों द्वारा ईश्वर के अस्तित्व का खंडन करते हैं, वो ईश्वर को स्वीकार ही नहीं करते। आज हम इतनी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।